1, 2, 3, come on! नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी में। मैं हूं आपका जीएस सर और आज का टॉपिक है ट्रायंगल। तो वी विल लर्न अबाउट थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी थ्योरम एंड कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बारे में हम यहां पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द ट्रायंगल, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न का हो, चाहे आईसीएसई पैटर्न का हो, चाहे एसएससी पैटर्न का हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड, चाहे किसी पैटर्न का हो, ट्रायंगल अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम उस इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दैट इज द ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। सबसे इम्पोर्टेंट इस ट्रायंगल में, क्लास टेंथ के ट्रायंगल में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम कुछ दिए हुए हैं, जो कि फर्स्ट थ्योरम इज द बीपीटी। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रूफ, किस प्रकार से हम बीपीटी को प्रूफ करेंगे और व्हाट इज द बीपीटी, चलिए इसके बारे में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीटी थ्योरम। तो सबसे पहले आप जान लें कि बीपीटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। देखिए, यहां पर देखकर मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, इसको समझाता भी चल रहा हूं। किसी ट्रायंगल के, ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, तो ट्रायंगल के तीनों साइड में से इफ अ लाइन पैरेलल, एक एक्स्ट्रा लाइन उसमें बनाया जाए जो कि किसी भी साइड के पैरेलल हो, जो किसी भी साइड्स के पैरेलल हो। जैसे देखिए, यहां पर मैं बना रहा हूं, दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज आल्सो ट्रायंगल, दिस इज आल्सो ट्रायंगल। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, जैसे इस साइड का पैरेलल यदि ड्रॉ करना है हमें, तो इसके पैरेलल हमें इसमें यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। यदि मैं इस ट्रायंगल की, इस साइड की बात करूं, इसके पैरेलल हमें यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा, और यदि इसकी बात करूं तो यह हमें यहां पर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, यदि इस पैरेलल, इसके पैरेलल यदि बनाओ तो दो साइड जो रिमेनिंग बच रहा है उस साइड को इंटरसेक्ट करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। देखिए, यहां पर दो जगह इंटरसेक्ट करता है दो साइड्स को, एक साइड के पैरेलल यदि बनाओ तो दो साइड को ये इंटरसेक्ट कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। ठीक है, देन द लाइन डिवाइड द, और जैसे ही ये इंटरसेक्ट करता है, देखिए यहां पर ये और ये डिवाइड डिवाइड कर दिया है, और यहां पर इसे और इसे डिवाइड किया है। ठीक है, उसी प्रकार इधर इधर ऐसे ऐसे डिवाइड किया है सब में। ठीक है, तो लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब ये दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में होता है। तो इसी को समझने के लिए यहां पर देखिए, जैसे ए बी सी था, और यहां पर मान लो मैं पी और क्यू दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, तो इस ट्रायंगल में यदि इसके अकॉर्डिंग इस क्राइटेरिया को यदि फॉलो किया जाए, तो यहां पर ए पी अपॉन पी बी, इन दोनों का प्रोपोर्शन इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ द बीपीटी, दिस इज द बीपीटी। ये बीपीटी का रूल है। बीपीटी क्या बोल रहा है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तीन साइड में से किसी एक साइड को के पैरेलल हम यदि ड्रॉ कर देते कोई लाइन, तो वो ट्रायंगल के दो साइड जो बच रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जाकर वो डिस्टिंक्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे, और तो जैसे ही इंटरसेक्ट करता है तो वो जो साइड, रिमेनिंग साइड थे, उसको दो पार्ट्स में, दो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्रूफ करेंगे। ये
कैसे मैं कर सकता हूं या फिर कैसे आप कर सकते हो कि एपी और बीपी और एक्यू और क्यूसी एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसके लिए हम बीपीटी और थेल थ्योरम को अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए देखें, अब यहां पर थ्योरम से, थ्योरम के नाम से लोग डर जाते हैं, तो थ्योरम के नाम से डरना नहीं है। यदि अच्छे से करेंगे तो फुल मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूं, फुल मार्क्स आ सकते हैं, बट आपको अच्छे से समझना होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी होगी। चलिए, तो ये बीपीटी थ्योरम आपको समझ में आया। अब देखिए, यहां पर मैंने एक फिगर बनाकर रखा है, एबीसी एक ट्रायंगल है जो कि पी और क्यू यहां पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर यहां पर इंटरसेक्ट हुए हैं और ये लाइन का नाम है जो पैरेलल लाइन हमने बनाया है, दैट इज द एल। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए पहले हम समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवेन है। तो यहां पर गिवेन लिखते हैं, गिवेन। तो गिवेन यदि देखा जाए, इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल पैरेलल साइड बीसी। चलिए एक एक लाइन को अच्छे से समझते चलेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में लाइन एल, ये जो लाइन एल है हमारा, ये पैरेलल है साइड बीसी के, ठीक है, बीसी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, साइड बीसी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है और लाइन एल, ये जो लाइन एल है, इंटरसेक्ट साइड बी, इंटरसेक्ट साइड ए बी। देखिए ये साइड ए बी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ये जो लाइन एल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लाइन एल इंटरसेक्ट, ये लाइन एल इंटरसेक्ट किया है एबी को, एबी वाले साइड को पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे, ठीक है। एंड साइड एसी, एंड साइड एसी एट क्यू। देखिए दो जगह, एक पी पर और एक क्यू पर, यहां पर दोनों साइड को, एसी और एबी को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। अब यहां पर आपको प्रूफ करना है, लिखना होगा यहां पर टू प्रूफ, टू प्रूफ। प्रूफ करना क्या है? बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है? बीपीटी थ्योरम बोल रहा है कि एपी और पीबी एक दूसरे के रेशियो में है, सेम रेशियो, एपी और पीबी इज इक्वल टू दूसरे का एक्यू एंड क्यूसी, एक्यू एंड क्यूसी। ये बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। अब इसे हमें प्रूव करना है कि क्या सच में एपी और पीबी और एक्यू और क्यूसी एक दूसरे के सेम प्रोपोर्शन में हैं कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखिए जो कि मैंने कंस्ट्रक्शन यहां पर करके रखा है, कंस्ट्रक्शन मेथड जो होगा, यहां पर लिखने का तरीका जो होगा आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको अच्छी तरीके से लिखने हैं। चलिए देखिए, यहां पर कंस्ट्रक्शन मैं यहां पर कर रहा हूं, तो यहां फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मैं Q को M से यहां पर मिला दिया और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमने ड्रॉ कर दिया क्यू एम एट ए बी पे, और एक P से N यहां पर दो लाइन को हमने ड्रॉ किया, दो लाइन को हमने ड्रॉ किया, दो परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया, और यहां पर दो, यदि देखा जाए दो डॉट डायगोनल को हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया है, चलिए अब इसको समझेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन को लिखना पड़ेगा, ज्वाइन पीसी, देखें
ज्वाइन पी और सी को ज्वाइन किया एंड बी और क्यू को एंड बी एंड क्यू को पी सी और बी क्यू को हमने ज्वाइन किया एंड क्यू एम देखिए यहां पर क्यू एम इज द परपेंडिकुलर ऑन ए बी पूरे ए बी पर परपेंडिकुलर है एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी ठीक है क्यू एम परपेंडिकुलर ए बी एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी तो ये हमने कंस्ट्रक्शन बनाया कंस्ट्रक्शन किया। अब देखिए यहां पर आपको प्रूफ करने के लिए लिखना पड़ेगा प्रूफ हाउ टू प्रूफ। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा इसी ट्रायंगल को मैंने अलग अलग यहां पर बनाने की कोशिश किया है। इस ट्रायंगल में प्रूफ करने के लिए हमें एरिया के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना होगा। देखिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में यहां पर ए पी क्यू एक सेम कलर में मैंने शेप किया है ए पी क्यू ठीक है। देखिए दिस इज द ए पी एंड क्यू तो यहां पर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए पी क्यू इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा। यदि ए पी क्यू की बात करूं तो यहां पर बेस क्या होगा ध्यान दीजिएगा किसी ट्रायंगल का जो बेस होता है तो बेस जिसपे परपेंडिकुलर पड़ा होता है तो जिसपे परपेंडिकुलर पड़ा होता है दैट इज द बेस मींस यहां से परपेंडिकुलर यहां पर बन रहा है। देखिए यहां पर परपेंडिकुलर यहां पर 90 डिग्री का सेम साइड दिख रहा है तो ये आपका बेस होगा मींस एपी एपी इज द बेस एपी इज द बेस और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज द हाइट मींस हाइट यदि देखा जाए इसी ट्रायंगल का ए पी क्यू का तो यहां पर हाइट इज इक्वल टू क्यू एम कह सकते हैं। ओके ये तो बेस और हाइट इस ट्रायंगल की बात मैंने किया। अब दूसरे ट्रायंगल को यूज किया जाए ये आपके सामने ये ट्रायंगल रेड वाला कलर का यूज किया जाए इस ट्रायंगल का केवल तो इस ट्रायंगल का नाम यदि देखा जाए क्या है देखिए इन ट्रायंगल ए सॉरी पी क्यू बी देखे पी क्यू बी पी क्यू बी यहां पर रेड कलर से मैं बना रहा हूं तो पी क्यू बी अब इसका जो बेस होगा ध्यान दीजिएगा यहां का जो बेस होगा तो बेस हमेशा इसी का यूज किया जाएगा ठीक है। बेस हमारा पी बी बेस इक्वल पी बी एंड हाइट विल बी देखिए ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल के लिए हाइट तो परपेंडिकुलर दिख रहा था बस इस ट्रायंगल के लिए हाइट यहां पर परपेंडिकुलर कहीं भी नहीं दिख रहा है तो इसके लिए मैं छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं इसको सुनिए। देखिए यदि इस ट्रायंगल की मैं बात करूं ये ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ है ध्यान दीजिएगा पी बी एंड क्यू पी बी एंड क्यू इस प्रकार से बना हुआ है तो ये ट्रायंगल यदि आप अपने सामने यदि कर लें इस प्रकार से इसे ऐसे घुमा दिया जाए तो देखिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहां पर बना हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और याद रखिएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट परपेंडिकुलर हाइट बनाया जाता है वो हमेशा बाहर बनता है ध्यान दीजिएगा ये हमेशा बाहर बनता है ये बेस को हम बढ़ाकर ये जो परपेंडिकुलर बनेगा वो आपका हमेशा बाहर बनेगा तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं वो बाहर होगा तो बाहर किधर है उस ट्रायंगल में मैं चलकर खोजता हूं तो इसको अच्छे से समझिएगा ठीक है। अब इस ट्रायंगल में यदि मैच करा जाए तो देखिए इसका मतलब इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यदि मैच कराया जाए तो देखिए
यहाँ पर परपेंडिकुलर इसका इसी बेस पर इसका परपेंडिकुलर भी QM देकर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसी बेस को देखिए यहां पर बढ़ाया है और यहां पर QM को परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर दिया गया है। इसका मतलब इस ट्रायंगल के लिए भी QM इज द हाइट विल बी हाइट। ओके चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप किसी भी तरीके से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यू कैन आस्क एनी नंबर एनी क्वेश्चन, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हो। तो यहां पर हाइट विल बी आल्सो क्यू एम। तो यहां पर देखिए दोनों ट्रायंगल के लिए यहां पर बेस वन यहां लिखा हो, तो यहां पर बेस वन यहां पर बेस टू कर देता हूं, यहां पर हाइट वन यहां पर हाइट टू कर दे रहा हूं मैं। अब देखिए इस ट्रायंगल के लिए हम एरिया दोनों एरिया का रेशियो निकाल देते हैं। यदि दोनों एरिया को रेशियो निकाला जाए, चलिए ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल पीक्यूबी हैव सेम हाइट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों का हाइट जो है यहां पर सेम है, QM एंड QM दोनों के हाइट सेम होती है, सेम होती नहीं है यहां पर सेम है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल एपीक्यू एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीक्यूबी इज इक्वल टू, अब एरिया यू नो दैट एरिया व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यहां पर बी वन और एच वन कर देता हूं, बेस वन हाइट वन, और यहां पर आल्सो हाफ इनटू बी टू एंड एच टू। तो यहां देखिए हाफ हाफ दोनों कैंसिल होगा और दोनों का हाइट सेम है तो यहां पर हाइट भी कैंसिल होगा, तो यहां पर बचेगा क्या, यहां पर बचेगा बी वन अपॉन बी टू। मीन्स क्या, व्हाट इज द बी वन मीन्स बेस वन, तो बेस वन इज द एपी एंड बेस टू इज द पीबी इज द इक्वेशन नंबर वन। एपी एंड पीबी आपने यहां पर किस प्रकार से फाइंड आउट किया, केवल एक एरिया ऑफ द ट्रायंगल के फार्मूला से। चलिए नाउ इसी प्रकार से अब देखिए दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, दूसरे फिगर में, फिगर सब सेम है केवल मैंने अलग अलग ट्रायंगल को समझाने की कोशिश किया है। चलिए नाउ इन ट्रायंगल, अब देखिए यहां पर फिर से अब दूसरे ट्रायंगल को लिया जाए, तो अभी तक मैंने जो यूज किया था ये साइड को प्रोपोर्शन बनाने के लिए, इस ट्रायंगल में इस साइड को प्रोपोर्शन बनाने के लिए मैं सारा वर्क ये साइड किया था। अब मुझे जो करना है ये साइड करना है, तो ये साइड के लिए फिर से ट्रायंगल हमें ऊपर का वही लेना होगा। तो ट्रायंगल क्या लेंगे, ए पी एंड क्यू, ए पी क्यू, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, देखिए दूसरा ट्रायंगल रेड वाला लिया जाएगा, ठीक है, क्यू पी सी या फिर सी पी क्यू कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, पी क्यू सी, पी क्यू सी दूसरा ट्रायंगल। चलिए सेम आपको सेम वर्क करना है आपको इसी प्रकार से। नाउ इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड पीक्यूसी, चलिए एपीक्यू में यहां पर फिर से एक बार लिखना होगा, बेस वन इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर बेस क्या होगा, जिस पर परपेंडिकुलर पड़ा होता है तो दैट इज द ओ लाइन बेस होगा। तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पर पड़ा है, तो ये बेस होगा, मीन्स ए क्यू इज द बेस। ओके, ए क्यू इज द बेस, ए क्यू, एंड हाइट की बात करें तो हाइट विल बी परपेंडिकुलर लाइन, मीन्स पी एन, पी एन इज द परपेंडिकुलर हाइट। तो यहां पर भी बेस वन और हाइट वन का यूज कर रहा हूं। नाउ इन ट्रायंगल रेड वाले में देखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू सी में,
पीक्यूसी में, यहां पर बेस वन होगा, बेस टू इज इक्वल टू, अब देखिए इस ट्रायंगल में भी बेस हमारा कौन सा होगा, इस ट्रायंगल में हमारा भी बेस क्यूसी, ठीक है, क्योंकि इसी लाइन का मैंने यूज किया है, तो यहां पर क्यूसी ये होगा एंड हाइट, हाइट विल बी हाइट टू इज इक्वल टू, देखिए फिर से अभी जैसा मैंने समझाया कि इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में हमेशा बाहर, जैसे यहां पर इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर हाइट जो बनेगा ये दोनों ट्रायंगल के लिए बन रहा है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो हाइट टू यहां पर होगा पी एन, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहां पर बेस टू क्यूसी एंड हाइट टू इज द पी एन, तो यहां पर इसको सॉल्व करें, देखिए लिखना पड़ेगा यहां पर ट्रायंगल एपी, ट्रायंगल एपीक्यू ट्रायंगल एपीक्यू एंड पीक्यूसी जो हमने लिया था एंड ट्रायंगल पीक्यूसी हैव सेम हाइट, हैव सेम हाइट, ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल पीक्यूसी हैव सेम हाइट, तो दोनों सेम हाइट होगा, तो एक बार फिर से दोनों सेम कैंसिल होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा यहां पर भी ट्रायंगल जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा, देखें दूसरे पेज पे मैं बता रहा हूं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एपीक्यू, एपीक्यू एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीक्यूसी इज इक्वल टू बेस वन एंड बेस टू, क्यों, हाफ हाफ कैंसिल होगा और हाइट दोनों सेम है तो दोनों हाइट भी कैंसिल होगा, तो इसके लिए बेस वन और बेस टू विल बी ए क्यू अपॉन क्यू सी इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन यहां पर आया था हमारे पास बी वन और बी टू ए पी एंड पी क्यू एंड सेकेंड इक्वेशन में ए क्यू एंड क्यू सी, तो चलिए अब देखिए यहां पर ट्रायंगल पीक्यूबी एंड ट्रायंगल पीक्यूसी, देखिए पीक्यूबी यदि इसमें इसकी बात करूं पीक्यूबी एंड पीक्यूसी, पीक्यूसी दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात में कर रहा हूं, तो देखिए दोनों ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस, देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस, इसका भी मेन बेस आपका यही है और इस इधर से भी इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका बेस ये पड़ेगा और इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका भी, दोनों सेम एक ही बेस पर पड़े हुए हैं, वो है आपका दैट इज पी क्यू, पी क्यू एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों बने हुए। अब यहां पर इसलिए ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीक्यूबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीक्यूसी। अब देखिए जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम बेस पर हैं, ठीक है, दोनों सेम बेस पर हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं,
तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल भी हमेशा सेम होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रायंगल PQB ये वाला ट्रायंगल और उसके बाद इस साइड का ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सेम होंगे, दैट इज द थर्ड। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 यदि देखा जाए तो एपी और पीबी, देखिए फर्स्ट में देखिए यहां पर एपीक्यू, देखिए लास्ट स्टेप है आपका एपीक्यू और यहां पर एपीक्यू, देखिए एक दूसरे का सेम है और यहां पर पीक्यूबी एंड पीक्यूसी अभी हमने सेम किया, इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा एरिया एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए यहां पर सिंपल सा एपी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, एपी अपॉन पीबी एंड एक्यू अपॉन क्यूसी। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको लेंदी बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा नहीं है, आपको समझना है, एक छोटे छोटे पैटर्न में मैं समझाने की कोशिश किया हूं। तो इस प्रकार से आप पीपीटी फेस थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ये थ्योरम और 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आते हैं, जिसके लिए खूब अच्छी सी तैयारी करके रखिएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट थ्योरम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। अब देखिए कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का जो थ्योरम है ये कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देखिए इसमें कह रहा है क्या, इसके लिए आपको समझिए, देखिए इसमें कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यदि कोई ट्रायंगल है और इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, यदि कोई लाइन अपने आप चला जा रहा है और डिवाइड कर दिया दो साइड्स को, देखिए यहां से स्टार्ट किया था तो पहले साइड को इंटरसेक्ट किया, डिवाइड किया, फिर दूसरे को भी डिवाइड कर दिया इन सेम रेशियो, और डिवाइड किया है दोनों को सेम रेशियो जो कि इसके पहले बीपीटी थ्योरम से हमने फाइंड आउट कर दिया, देन द लाइन इज अ पैरेलल टू थर्ड साइड। अच्छा इसके पहले वाले जो बीपीटी थ्योरम में हमने सीखा कि ये पैरेलल था, उस क्वेश्चन में बता रहा था कि ये पैरेलल है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों सेम रेशियो में होंगे या नहीं होंगे, आपको प्रूव करना था। यहां पर कह रहा है कि आपको लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इसमें आपको प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं। सपोज यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, एक पैरेलल इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दिया, तो क्या आपको लग रहा है पैरेलल या नहीं लग रहा है, तो आपको यहां पर ये प्रूव करना है कि नहीं ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए देखने में तो नहीं लग रहा क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगे, तो देखने में नहीं लग रहा है, बट ये एक्चुअल में दोनों लाइन्स पैरेलल है या नहीं है इस कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी में इसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, बीपीटी में हमें रेशियो प्रूव करना था, यहां पर ये पैरेलल है या नहीं है इसे हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से इसे प्रूव किया जाए। देखिए यहां पर एक फिगर बनाकर रखा है, इफ अ लाइन्स डिवाइड, यहां पर एक ट्रायंगल बनाया है, यहां पर एक लाइन एल है जिसे डिवाइड किया गया है पी क्यू पर, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि पी क्यू एंड बी सी इज अ पैरेलल। नो, देखिए यहां पर सबसे पहले गिवेन लिखते हैं, गिवेन से स्टार्ट करेंगे। गिवेन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल, इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन जो एल है इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, देखें ए बी को इंटरसेक्ट किया है और ए सी को इंटरसेक्ट किया है इन सेम रेशियो और इन दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम है।
सेम रेशियो एंड एट पॉइंट पी एंड क्यू, देखिए पी और क्यू पर इसने इंटरसेक्ट किया है और दोनों का सेम रेशियो है, इसलिए ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, एपी अपॉन पीबी, जो कि बीबीटी थ्योरम से हमने प्रूव किया है, एपी अपॉन पीबी हमेशा एक दूसरे के रेशियो में होंगे और इज इक्वल टू दूसरे साइड ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये सब गिवेन है इसमें और इसमें आपको प्रूव करना क्या है, सो टू प्रूव, प्रूव करना है लाइन जो हमारा एल लाइन है, एल पैरेलल टू साइड बी सी, ये आपको प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको इनडायरेक्टली मेथड से हमें सॉल्व करना है। देखिए चलिए प्रूव करते हैं, प्रूफ देखिए, इसमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसमें सपोज अभी तक ये इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन में ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो चलो ठीक है ये लाइन पैरेलल नहीं है, यहां पर इनडायरेक्टली मैं एक लाइन बना देता हूं और उससे मैं समझ लेता हूं कि वो पैरेलल है, ठीक है आपने समझा। जैसे ये लाइन आपका पैरेलल नहीं है अभी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पैरेलल लाइन नहीं है, एल इज द नॉट अ पैरेलल टू बी सी, बट मैं एक लाइन बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये पैरेलल है। सपोज यहां पर देखिए, यहां पर एक लाइन यहां पर बना कर रखा हुआ है, देखिए यहां पर बनाता हूं मैं एक लाइन, मैंने ऐसे बना दिया, चलिए यहां पर एक लाइन मैंने ले लिया L1 और मैं बोल रहा हूं कि ये लाइन पैरेलल है। अच्छा यदि मैं पैरेलल, यदि मैं इसे पैरेलल बना दूं, तो यदि पैरेलल है तो बीपीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग, अच्छा यहां पर देखिएगा यदि मैं इस लाइन को पैरेलल बनाऊं तो यहां पर पॉइंट्स ए क्यू है और एक अलग सा पॉइंट मिला है, यहां पर मैं लिख देता हूं पी क्यू, यहां पर आर बना देता हूं, ओके। अब देखिए यहां पर प्रूव करता हूं, सबसे पहले लेट अस सपोज लाइन एल वन पैरेलल टू साइड बी सी, देखिए ये मैंने सपोज किया है, ये बोल रहा है कि ये लाइन पैरेलल है नहीं, तो चलो ये नहीं है तो मैंने एक सपोज कर लिया कि चलो ये लाइन सपोज है कि ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल किसके है बी सी, ये हमने सपोज कर लिया। तो यदि सपोज किया जाए तो सो दैट फ्रॉम बीपीटी, अब देखिए बीपीटी का थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जैसे ही कोई भी ट्रायंगल के, अभी इसके पहले मैं जो बताया था, किसी ट्रायंगल में यदि कोई पैरेलल होता है दूसरे दो अदर साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है तो उसका जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन पर होता है। तो इसका जो रेशियो बनेगा बीबीटी के अकॉर्डिंग, देखिए एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ये साइड क्या बनेगा, ए साइड बनेगा, ध्यान दीजिएगा ए आर, क्योंकि मैंने इस लाइन को यूज किया है पैरेलल के लिए तो यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ए आर अपॉन आर सी, ए आर अपॉन आर सी, ए आर अपॉन आर सी, ठीक है। तो इस प्रकार से दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, ये कब हुआ, जब मैं बीबीटी के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने इसको लिखा है और जब मैं अलग सा एक पैरेलल लाइन मैंने सपोज किया है। चलिए बट यहां पर देखिए, बट फ्रॉम गिवेन, यदि गिवेन की बात करूं तो यहां पर तो देख कर रखा है एबी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, जो कि यहां पर दिया हुआ है, होना तो चाहिए ये मेरे अकॉर्डिंग, मैंने पैरेलल लाइन बनाया, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यूसी, क्योंकि ये गिवेन है, ठीक है। तो दैट इज द सेकेंड, अब फर्स्ट एंड सेकेंड को यदि मैच किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रॉम
वन एंड टू। देखिए यहां पर एपी और पीबी, एपी और पीबी एक दूसरे के इक्वल है। देखिए एपी और पीबी यहां भी है, एपी और पीबी यहां पर है, तो एपी और पीबी के जगह पर एक्यू और क्यूसी लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर फर्स्ट इक्वेशन में ए आर अपॉन ए सी, ए आर अपॉन आर सी। देखिए क्योंकि एपी और पीपी के इज इक्वल टू ए और एपी और पीबी के इज इक्वल टू ए, तो फ्रॉम वन टू में यदि देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो एक दूसरे के इक्वल है तो एक दूसरे के इक्वल ये भी हो सकते हैं। तो मैं इसको ले रहा हूं ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में एडिंग वन फ्रॉम बोथ, देखिए यहां पर दोनों में वन को ऐड कर दिया जाए, दोनों को वन ऐड कर दिया जाए दोनों में, तो देखिए क्या होगा ए आर अपॉन आर सी प्लस वन इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी प्लस वन। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये होगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर प्राइम ये प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आरसी वन जा आरसी और प्लस ए आर मीन्स ए आर प्लस आर सी अपॉन आर सी ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस ट्रायंगल में ए आर प्लस आर सी, ए आर जो मैंने लिया था मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूं, ए आर एंड आर सी टोटल यदि ऐड कर दिया जाए तो दैट इज द ए सी, पूरा ए सी बनेगा। इसका मतलब हम इसके प्लेस पे ए सी लिख सकते हैं अपॉन आर सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यू अप प्लस क्यू सी। अब देखिए यहां पर ए क्यू, अब यदि ए क्यू प्लस क्यूसी की बात करूं, ए क्यू प्लस क्यूसी वो भी ए सी होगा। ठीक है, तो यहां पर भी ए सी अपॉन क्यूसी हो सकते हैं। देखिए यहां पर ए सी कैंसिल होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीपल करके भी आप चेक कर सकते हैं, तो यहां पर कैंसिल होगा। तो यहां पर बच रहा है आरसी अपॉन आरसी इज इक्वल टू क्यूसी, इसका मतलब आरसी और क्यूसी एक दूसरे के इक्वल है, आरसी और क्यूसी एक दूसरे के इक्वल हैं। देखिए आरसी आर से लेकर सी तक जो लाइन है, ध्यान दीजिएगा आर से सी तक की जो लाइन है अकॉर्डिंग ये, और क्यूसी क्यू से सी तक की जो लाइन है ये, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या लाइन छोटी और बड़ी हो सकती है? कभी नहीं। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने प्रूव किया है कि आरसी और क्यूसी इक्वल है एक दूसरे के, तो जब आरसी और क्यूसी दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल है तो इक्वल कब होगा? जब दो साइड्स का सेम मेजर होगा। ठीक है, तभी तो ये एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, आर और क्यू दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, समझिएगा अच्छे से। इसका मतलब आर और क्यू दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो देखिए यदि एक पॉइंट पे ही यहां पर आर एंड क्यू दो अलग अलग पॉइंट लिया जाए एंड सी लिखा जाए, तभी हम कह सकते हैं कि आर सी एंड या फिर क्यू सी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब आर और क्यू जो हमने अलग से सपोज किया था वो भी एक ही पॉइंट पर है, दिख रहा है अलग लेकिन है एक दूसरे के पॉइंट पे। इसका मतलब आरसी और क्यूसी एक दूसरे के इक्वल हैं। देखिए नाउ दैट मींस कि पॉइंट आर एंड
पॉइंट क्यू आर सेम। देखिए इसका मतलब पॉइंट आर और क्यू दोनों एक दूसरे के सेम होंगे, और यहां ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट आर एंड क्यू आर नॉट डिफरेंट। ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक दोनों एक दूसरे के एक ही पॉइंट पे, क्योंकि ये प्रूव कर रहा है आरसी और क्यूसी इक्वल है। जब दो सेगमेंट, जब दो लाइन सेगमेंट इक्वल हो सकते हैं तो इसका मतलब दोनों के पॉइंट भी सेम होंगे। चलिए इसके अकॉर्डिंग यहां पर L1 एंड L2 इज आल्सो सेम। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था L1 और L2, L2 तो गिवन था यहां पर, L1 मैंने सपोज किया था यहां पर, तो इसका मतलब L1 जब इसी पॉइंट पर है तो दोनों, इसका मतलब सेम पॉइंट पर है, इसका मतलब L1 और L2 भी दोनों एक ही पॉइंट पर है, एक ही लाइन पर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे की लाइन बिल्कुल सेम है, इसलिए यहां पर L1 और L2 आल्सो सेम कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि लाइन L पैरेलल है BC के, क्योंकि पूरा का पूरा बीपीटी के थ्योरम से हम यहां पर मैंने बताया था कि एक दूसरे के रेशियो में भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे यहां पर, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, और 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको सॉल्व करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम।